नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ राधनपुर में हैं। ये राधनपुर का बस स्टैंड है और यहाँ से गांधी धाम तक जाने वाले हैं। बस की जर्नी होगी, बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ में, इस पूरे सफ़र को आप भी एंजॉय करें, मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। और ये राधनपुर का बस स्टैंड, और ये हमारा आज का गाड़ी जो हमें गांधीधाम तक लेके जाएगा, राधनपुर से गांधीधाम। आइए ये सफर शुरू करते हैं, 200 किलोमीटर का सफर रहेगा। और ये हमारी बस यहाँ से रवाना हो चुकी है राधनपुर से। अगले 4-4.5 घंटे में हमें गांधीधाम पहुँचाएगी। और ये हमारी बस, और ये हमारी बस यहाँ अभी रुकी है 5 मिनट के लिए आधे सर में, 5 मिनट चाय पानी का ब्रेक, यहाँ चाय ले लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ से अभी हम चल पड़े हैं वापस आगे गांधीधाम तक जाने वाली है ये बस हमारी, बने रहें पूरे वीडियो में।
सामा खैली आ गया है और यहाँ से अभी गांधी धाम तकरीबन 55-60 किलोमीटर और रह गया। ये यहाँ का बस स्टॉप है, बस वालियाँ उतारी है यहाँ पर, फिर वापस कंडक्टर ने बोल दिया है चलने के लिए, लेकिन आगे दूसरी गाड़ी खड़ी है, वो हटते ही यहाँ से भी गाड़ी हमारी चल पड़ेगी। पचपन 60 किलोमीटर का रास्ता हमारा बाकी है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। सामा खैली ही क्रॉस कर रहे हैं, बस स्टैंड से निकल के आए थे, आगे का रास्ते पे जो चल रहे हैं। ये भी एक बस स्टॉप है सामा खैली का, यहाँ पर बस रुक गई हमारी। और यहाँ हमारी गाड़ी चाय पानी के लिए एक बार रुक गई है, ये हमारी बस थी और ये और बसें यहाँ पर खड़ी हैं। और ये हाईवे के ऊपर ही एक जगह बना रखी है, यहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकती हैं चाय नाश्ते के बाद, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से ये सफ़र हमने यहाँ तक पूरा किया, ये हमारी गाड़ी थी और ये गांधीधाम का बस स्टेशन। ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।